क्या आपको पता है दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जो वैन एलन बेल्ट में लोकेटेड है। पहला है माचू पिचू इन पेरू, दूसरा है स्टोनहेंग इन इंग्लैंड और तीसरा है कसार देवी टेम्पल इन उत्तराखंड इंडिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कसार देवी अल्मोड़ा के बारे में होने वाली है, जो भारत की पहली और विश्व की तीसरी ऐसी जगह है जहां चुंबकीय शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कसार देवी टेम्पल उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये मंदिर पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की कसार देवी मंदिर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच खासा लोकप्रिय है। समुद्र तल से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर से हॉलबाग घाटी और अल्मोड़ा शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर का एक ऐसा रहस्य है जो इसे दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में कसार देवी की प्रतिमा है जिन्हें माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। संयोग से मंदिर की इमारत का निर्माण दूसरी शताब्दी में किया गया था। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने साधकों के एक बड़े समूह के साथ कसार देवी की यात्रा की। इसमें लामा नागरिका गोविंद और अल्फ्रेड सोरसेन शामिल थे। यह स्थान 60 के दशक में हिप्पी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध था। इस मंदिर की चुंबकीय शक्तियों और यहाँ मिल रही शांति से प्रभावित होकर इस मंदिर का जिक्र स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी डायरी में भी किया है। बात करें मंदिर की पौराणिक मान्यताओं की, कसार देवी मंदिर देवी पार्वती के कौशिकी दुर्गा अवतार को समर्पित है। उन्होंने कसार देवी की पहाड़ी पर दो राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध किया था। यह बात देवी भागवत पुराण नामक हिंदू ग्रंथ के अनुसार है। इसके अलावा मूर्ति के पीछे एक चट्टान पर देवी दुर्गा के शेर के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह मंदिर राजा रुद्रक द्वारा बनाया गया और यहाँ से हिमालय का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। आखिर क्यों है खास ये मंदिर? इस मंदिर को लेकर ये मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में प्राचीन समय में माँ देवी खुद अवतारित हुई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यह मंदिर चुंबकीय शक्तियों से समृद्ध है, जिसके कारण यहाँ मन और दिमाग को शांति प्रदान करने वाली ऊर्जा महसूस की जा सकती है। बात करते हैं चुंबकीय शक्तियों के होने के कारण पे। कसार देवी मंदिर वैन एलन बेल्ट में स्थित है, जिसके कारण यहाँ कई जगह चुंबकीय शक्तियों को महसूस किया जा सकता है। वैन एलन बेल्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना वो सर्किल है जो धरती को चारों तरफ से घेरता है। इस बेल्ट की खोज करने वाले वैज्ञानिक एलन के नाम पर ही इसे वैन एलन बेल्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये पाया कि अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू और इंग्लैंड के स्टोनहेंग में अद्भुत समानताएं हैं। जहां इन जगहों पर कुदरती खूबसूरती के दर्शन होते हैं, वहीं तीनों जगह पर शक्तियों का एक विशेष केंद्र है। नासा के वैज्ञानिकों का क्या मानना है इस बारे में भी जान लेते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक कसार देवी क्षेत्र में वैन एलन बेल्ट है, यानी कसार पर्वत के ठीक नीचे धरती में विशाल भूचुंबकीय पिंड है, जिसके चारों ओर चार्ज इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हैं और इसी के प्रभाव पे शोध किया जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में वैन एलन बेल्ट बनने की वजहों को भी जानने की कोशिश की जा रही है। आखिर कसार देवी अल्मोड़ा तक पहुँचे कैसे? दिल्ली से इस मंदिर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। यहाँ सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है पंतनगर, जो कि देहरादून में है। वहाँ से मंदिर लगभग 124 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से आप टैक्सी और बस के जरिए मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा। वहाँ से आपको अल्मोड़ा तक का सफर टैक्सी या बस से करना होगा। अल्मोड़ा से कसार देवी मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर की है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।